नमस्कार, News20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां थाना क्षेत्र का परिदह गांव आपसी रंजिश में हुई दोहरे हत्याकांड से दहल उठा, जिसने सुना स्तब्ध रह गया। आपसी रंजिश में हुए इस खूनी खेल में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पक्ष के लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी। 12 घंटों के अंदर परिदह गांव में हुई इस दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हसनपुर पुलिस ने भी दर्जनों पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति परिदह गांव में कर दी है। घटना के बाद से इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोग घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। घर में केवल छोटे छोटे बच्चे व महिलाएं हैं। वहीं इस जघन्य हत्याकांड की जानकारी जैसे ही हसनपुर पुलिस को मिली, वैसे ही घटना स्थल पर पहुंच मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज मामले की छानबीन में जुट गई है। मृत युवक की पहचान हसनपुर थाना क्षेत्र के परिदह गांव निवासी स्वर्गीय कैलाश यादव के 45 वर्षीय पुत्रकारी यादव के रूप में की गई है। घटना गुरुवार 26 मई 2022 के सुबह करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार 26 मई 2022 की सुबह करीब 10 बजे कारी यादव अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था कि उसी समय मृतक कारी यादव के पड़ोसी जितेंद्र उर्फ जीतन यादव के परिजन लाठी डंडे से लैस होकर कारी यादव के दरवाजे पर आया और गंदी गंदी गालियां देते हुए कारी यादव की पिटाई शुरू कर दिया। घटना स्थल के पास खड़े मृतक के बेटे को भी उन लोगों ने मारना चाहा, लेकिन कारी यादव की पत्नी उस बच्चे को लेकर भाग गई, जिससे वह बच्चा बच गया। आक्रोशित लोगों ने कारी यादव की इतनी पिटाई कर दी कि उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर जिला पुलिस कप्तान का कहना है कि जीतन यादव व कारी यादव के बीच वर्षों पूर्व से किसी बात को लेकर विवाद चला आ रहा था, जिसमें 26 मई 2022 की सुबह हुए विवाद में जीतन यादव की मौत मौके पर ही हो गई थी। मौत की सूचना मिलने के बाद हसनपुर पुलिस आरोपित व्यक्ति की खोजबीन कर ही रही थी कि जीतन यादव के परिजनों को जानकारी मिली कि कारी यादव ईंख के खेत में छुपा हुआ है। जानकारी मिलते ही जीतन यादव के परिजनों ने कारी यादव को ईंख के खेत में से ढूंढकर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं स्थानीय ग्रामीणों में से कुछ लोगों ने पहचान छुपाने की शर्त पर बताया कि एक समय ऐसा भी था जब कारी यादव तथा जीतन यादव दोनों जिगरी दोस्त हुआ करते थे। दोनों का खाना पीना रहना उठना बैठना सभी साथ में ही होता था, लेकिन दोनों के दोस्ती में दरार उस वक्त आ गई जब कारी यादव को पता चला कि जीतन यादव उसके साथ धोखेबाजी कर रहा है। इस बीच कारी यादव के पत्नी का अपहरण हो गया, जिसके बाद कारी यादव ने जीतन यादव को नामजद अभियुक्त बनाते हुए स्थानीय थाना को आवेदन उपलब्ध कराया, जिसमें जीतन जेल चला गया। कुछ दिन बाद जीतन यादव जेल से बाहर आ गया और कारी यादव से माफी मांगते हुए सुलहनामा लगाने के लिए बोला, जिसके बाद करीब 2 माह पूर्व ही कारी यादव ने अपहरण मामले में सुलहनामा लगा दिया था। सुलहनामा लगाने के बाद जीतन यादव फिर से कारी यादव के साथ धोखेबाजी करने लगा, जिससे मना करने के बाद हुए विवाद का नतीजा सामने है। वहीं कुछ लोग इस हत्याकांड को रास्ते का विवाद के कारण हुई हत्या मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे अवैध संबंध से भी जोड़कर देख रहे हैं। वैसे इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे कारी यादव और जीतन यादव की क्या मंशा थी, यह रहस्य तो उन दोनों की मौत के साथ ही दफन हो गया। अब इसका खुलासा या तो जांच के बाद हसनपुर पुलिस करेगी, या एक दूसरे पक्ष को मौत के घाट उतारने वाले कारी यादव के परिजन अथवा जीतन यादव के परिजन ही कर पाएंगे। वहीं मृतक कारी यादव के पत्नी के द्वारा बार बार जीतन यादव का बचाव करना थोड़ा सा अटपटा भी लगता है, क्योंकि जिस समय कारी यादव की पत्नी ऑन कैमरा यह बोल रही है कि कारी यादव की हत्या जीतन यादव ने नहीं किया है, उससे कुछ संशय भी पैदा लेता है, क्योंकि जब कारी यादव की मौत पहले ही हो चुकी है तो कारी यादव की पत्नी एक मरे हुए शख्स का भी बचाव क्यों कर रही है। हालांकि अब इन सारी घटनाओं का खुलासा होना अभी बाकी है। अब देखना यह है कि हसनपुर पुलिस इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा कब तक कर पाती है। हालांकि कारी यादव के परिजन का यह भी कहना है कि जीतन यादव की मौत हृदयाघात से हुआ है, क्योंकि वह विगत कुछ दिनों से बीमार चल रहा था और डॉक्टर ने उसे मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए बोला था। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए।
न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ नमस्कार। पंकज यादव अवधि सब मौगी छोड़ी ओकर हमरा में कोई हमर दौड़ दिया नहीं साइड ओर अल दौड़ दिया तो कोई ना दौड़ दिया तो घर पैस के माल के कोई रहे बच्ची रहे ना बच्चा दुनु पकड़ के जेल में बंद बंद के दल के बच्चा नहीं लड़ले भैसी मस अइले भैसी मस तुरत अइले सुबह से ही लड़ाई हो रहा था क्या 7 बजे मकरा लड़ाई है तो ओकरा दिया आधार में तो वो गाइर दियो लागले कारी यादव के जीतन यादव कल के यो बेटी कारी यादव हमर पति रे टांग तोड़ लगे कपार फर लगे हिए हमरा बेटा के लली दाम ने रहे हम बेटा के लेके भाग गेलिए कौन लोग लली दा घी यादव आई ओकर भतीजा दीपक यादव आ बरखा अब धिया पंकज सब छौरी मोगी से कारी यादव को पकड़ के ले गए केस घिच ले लिया के देखा प्राचुर पेटी बक्सा में ढेर भारी सोना रहा 25,000 रुपया रहा तीनों बेटा के शपथ खाइ छियो जितना नहीं एलो लड़े ला जितना के नहीं छ एको चाट मार नहीं बात थी आज जीतन का बेटा पहले से कुछ लड़ाई था हां पहले विक्रम जात विक्रम कुमार कुछ लड़ाई रहे ना तो वह लड़ाई से बुझलक आ मर गल तब यह लड़ाई में एकरो मार दे मार दे हां वह लड़ाई में एकरो मार दे कौन चीज का लड़ाई था जमीनी विवाद था क्या जमीन विवाद का नहीं रहे बाप सब बात जाने जब हम अपना लहरा भाग गलिए ना तो हम कुछ ओकरो हाथ रे भगा दल के हमरा कल के भाग जो साई मारे छूत हम भाग गलिए हमर पुरुख ओकरा पर केस किया दल के वह के लड़ाई बाप रे काली जी केस कर दिए हां तो सब मिल गलिए बाप केस ले महीने में लगे गलिए वह खातिर 30,000 रुपया दल के सोलना सोलना लगौनी कल का 30,000 के साथ ही तोरा हम प्राण ले इने से उने जात रहनी खाना खाए ले गोरहा धोय के उने से दो आदमी से रहतनी आ की कहे छे वो सेट कहने रहे इने समय हमें पहला गांव गेलिए पीछू सुनी जात रहनी खाना खाए ले खाना खाए जरो उतने देर मुकरा रोके आल के आबू दुनो रोक के की बोलले से हम नहीं जाने छी हम चले गेले खाना परसे बस अतबे देर में हमर बचिया एगो कल के किस मम्मी के महिला पापा के मार दल के चलिन चलिन गेले तो गिर गल छन मजे खत्म भ गेल के हम दुनो को हम हमर जात हम ओकरा उठवे लगल गे हैं कौन सब था वो कारी यादव भैया एगो दूसरा आदमी के नाना सर हम नहीं चिन्हते हैं उसको उसको नहीं पहचानते ना ये जो डेथ की है वो कौन लगेगी आपको वो हमारे भैंसुर बुच्ची यादव को पोता दुनो डांग से हमारे जात को कपार फाड़ दिया क्या नाम हुआ आपका लक्ष्मी देवी हसनपुर गांव में जीतन यादव नामक एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। जानकारी मिली कि पहले से दोनों पक्षों के बीच कुछ मामले को लेकर विवाद चल रहा था, इसी दौरान हाथापाई या झड़प हुई थी। जीतन यादव के हत्या के आरोप में तीन व्यक्तियों को नामित किया गया था, तीन में से दो व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, तीसरा व्यक्ति कहीं पर छुपा हुआ था और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। शाम में सूचना मिली थी उस व्यक्ति को पुलिस के हत्थे में लग के खेत में छुपा हुआ था और पब्लिक के हाथ में आग लग गई हाथ में लग गए और वहाँ पर पब्लिक के द्वारा उसको पीटा गया। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। तो उसमें जो दूसरे पक्ष के जो है आरोपी कारी यादव उसको एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तो बहुत बुरी तरीके से पीट-पीट के हत्या की गई है। अब वीडियो के आधार पर जो भी लोग उसको पीट रहे हैं उनकी पहचान कर ली गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। अभी इस पूरे मामले में घटना के पीछे वजह क्या सामने आई? दोनों के बीच पहले का कुछ विवाद था, एग्जैक्ट कारण दोनों पक्षों के लोगों जब गिरफ्तार हो जाएगी तभी सामने आ पाएगा।